बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब उस्मान गनी साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, जनरल सेक्रेटरी हमारे पठान साहब, बीजापुर जिले के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अल्लाह बख्श साहब, हैदराबाद से बहसियत इंचार्ज बीजापुर बल्दी इलेक्शन के लिए जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब रुकन असम्बली कारवान, जनाब मुबीन साहब रुकन बल्दिया, जनाब सलीम साहब रुकन बल्दिया, जनाब नसीर साहब रुकन बल्दिया, शहनशीन पर तशरीफ फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मौजिज अराकीन बुजुर्गान मिल्लत, आप जानते हैं कि बीजापुर में बल्दी इंतखाबात 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को पोलिंग का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 4 उम्मीदवारों को इस इलेक्शन में खड़ा किया है। जैसा कि वार्ड नंबर 24 से मोहतरमा रेशमी पटेल साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा रुबीना, वार्ड नंबर 25 से मोहतरमा सुफिया वाटी साहिबा और वार्ड नंबर 28 से मोहतरमा रिजवाना खैसर इनामदार साहिबा, तो मेरी आप तमाम से ये अपील है, गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर अपने अफराद खानदान को अपने साथ ले जाकर, अपने दोस्तों को साथ ले जाकर, पोलिंग बूथ को जाकर आप पतंग के निशान पर मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपना वोट देकर उनको कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रुक जाइए भाई साहब, ये कौन है, हट जाइए आप, हट जाइए, हट जाओ आप, कौन है, बैठ जाइए। मेरी आपसे ये भी अपील है कि जिस दिन पोलिंग है उस दिन जुमे का दिन है, तो एक मुबारक दिन है जुमे का दिन, हमारे लिए जुमे का दिन ईद का दिन होता है, तो इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप सुबह के अवलीन वक्त में आप अपने पोलिंग बूथ को जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, और अगर आप सुबह में नहीं कर सकते तो जुमे की नमाज के बाद भी आप जाकर, नमाज अदा करने के बाद आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मगर अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करिए, भारत की जमहूरियत को मजबूत करिए, कर्नाटका की जमहूरियत को मजबूत करिए, और याद रखिए कि मेरे ख्याल से एक 9 साल के बाद, 9 साल के एक लंबे अरसे के बाद बीजापुर में म्यूनिसिपल का इलेक्शन होने जा रहा है। आज आपको अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने का एक मौका मिल रहा है, तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि 28 तारीख को आप तमाम लोग अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ निकलकर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, और पूरी कोशिश ही हमारी होनी चाहिए कि हमारा पोलिंग परसेंटेज 80-90% के बराबर हो। याद रखिए, अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। अगर आप अपने पसंद से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आपके पसंद का उम्मीदवार जीतेगा तो वो आपकी तकालीफ को समझेगा और आपके वार्ड में डेवलपमेंट के काम करवाएगा।
तो मेरी आपसे फिर से अपील है कि मजलिस के इन चारों उम्मीदवारों को आप पतंग के निशान पर अपना वोट देकर कामयाब करिए। याद रखिए, मजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जरा सी भी कोताही करेंगे तो याद रखिए नुकसान आपका होगा, नुकसान बीजापुर की आवाम का, जनता का होगा। और आप यहां जानते हैं कि आपके पास कितने बड़े बड़े मसाइल हैं। मुझे ये लिस्ट दी गई है कि कर्नाटका हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ 120 करोड़ रुपए बीजापुर की ड्रेनेज लाइन के लिए लिए थे, नहीं मालूम वो पैसे किस पर खर्च हुए। ड्रेनेज लाइन तो नहीं पड़ी मगर 120 करोड़ रुपए ये तमाम के तमाम करप्ट लोग उसमें खा गए। आज भी गंदा पानी केसी मार्केट, शापेट एरिया, नौबाग, दरबार हाउस, शहीद चौक, इब्राहिम रोजा के पीछे तमाम गंदा पानी जमा हो जाता है। तो आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपको एक ऐसा रुकने बल्दिया चाहिए जो आपके मसाइल के लिए लड़ सके। फिर आप जानते हैं कि पीने के पानी के लिए 2016 में 175 करोड़ रुपए मंजूर हुए मगर उसके बावजूद भी बीजेपी के राज में आवाम को पीने का पानी भी दस्तियाब नहीं है। आप देखते हैं कि मैं फिर आज दिन भर बीजापुर की सड़कों पर फिर रहा था और एक लंबा दौरा भी हुआ। गोल गुंबद से स्टेडियम की रोड नहीं है, खाली खड्डे वहां पर है। इंस्पेक्शन बंगलो, सैनिक स्कूल से अलमीन मेडिकल कॉलेज, वो रोड पे कोई चला तो रोड पे नहीं चलता, अलमीन दवाखाने में पेशेंट बन के जाता। एसपी ऑफिस से बंजारा क्रॉस, एसपी साहब को कितनी तकलीफ हो रही नहीं बोल रहे होंगे मगर उनकी भी रोड खराब है। बागलकोट क्रॉस से बीडी ऑफिस, यहां पर भी रोड नहीं है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के लोगों से और जेडीएस से भी कि आप तमाम को मुख्यमंत्री आपका था, आपका चीफ मिनिस्टर था, आपने बागल को, आपने बीजापुर में आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाया, ड्रेनेज की लाइन क्यों नहीं डलवाई, पीने के पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मालूम होगा कि जिसको आपने पहले 9 साल पहले वोट दिया था और उसके बाद जिस एमएलए को आपने कांग्रेस के जिताया था, उसके बाद जब बीजेपी का एमएलए जीत गया, तो आप ये देखिए पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि जिसको आपने वोट दिया वो तो सिर्फ आपका वोट लेकर अपने घर में जाकर सो गया मगर आपका कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। वहीं पर आप जानते हैं, अबे आ गया भाई, सुनो जरा सुनो, मैं आपके नारे सुनता हूं या आप मेरी बात सुनो, क्या क्या करेंगे बोलो, फिर सुनो। फिर वार्ड नंबर 22 में बीजेपी के एक्स कॉरपोरेटर 2014 से 19 में थे, एक्स कॉरपोरेटर साहब माशाल्लाह से जहां ओपन जमीन मिली उन्हें बोले मेरी है, रख ली है, बोले मेरे खानदान में मिली मेरे को। माने कीर्ति नगर, रामनगर बस डिपो, पार्क, सेंट जोसेफ स्कूल, अच्छा माशाल्लाह से पीने का पानी बीजापुर की जनता को नहीं है मगर उन्होंने अपने लिए आरओ प्लांट खोल के नोटा कमा लिए, वाह। माने अजीब और गरीब मामला है। फिर आप जाइए तो यहां के बीजेपी के एमएलए के बारे में मेरे को बताया गया कि उन्होंने जो है कोई स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी है और उन्होंने स्कूल की जमीन पे कॉरपोरेशन के फंड को गलत इस्तेमाल करके वहां पे उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए। इसमें जरूर पाकिस्तान की साजिश है, भारत की नहीं है।
बीजेपी वाले गुस्से में तो नहीं आ गए? नहीं मालूम नेव किसकी साजिश है, नहीं मालूम। अच्छा, कर्नाटका का एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि जो भी बनाना एजुकेशन पर्पस के लिए बनाना, कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बनाना। अब बना लिए उन्होंने, मगर गुस्सा मेरे पे निकालते, आप पे निकालते, छुपाना है ना अपनी गलती को। फिर आप देखिए, ऐसे बहुत सारे आपके डेवलपमेंट के काम हैं जो रुके हुए हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 28 तारीख को आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हम लोग 5 कैंडिडेट दिए थे, एक कैंडिडेट बेचारा कांग्रेस वाले डराए तो डर के बैठ गया। अब ये आवाज को कुछ भी मत करो, आवाज अच्छी है, ये आवाज को डिस्टर्ब मत करो, छोड़ दो, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना। तो एक कैंडिडेट हमारा कांग्रेस के दबाव में ना, कांग्रेस के दबाव में डर गया उन्हें बेचारा। उन्हें बोला भारत जोड़ो के नाम पे घर में बैठ जाता, इलेक्शन नहीं लड़ता। अब हम कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहे कि बीजापुर में 35 वार्ड है, उसमें मजलिस 5 लड़ रही थी, 5 लड़े, आपने एक को क्या क्या मिठाई खिलाई नहीं मालूम, क्या गुलाब जामुन खिलाए उसको या नहीं मालूम, बहरहाल बेचारा बैठ गया। अब हम ये पूछना चाह रहे कि कांग्रेस को हम 5 लड़ रहे, 35 में से सिर्फ 5 लड़ रहे थे, 30 आपके पास, मगर कांग्रेस और बीजेपी एक होकर ये पूरी कोशिश कर रहे कि मजलिस का उम्मीदवार बीजापुर में ना जीते। ये दोनों ऐसा मिल गए, साबेका एमएलए प्रेजेंट एमएलए के औले जोले भाया बन के मजलिस का मुकाबला कर रहे। माने सुनिए सुनिए, अब इन दोनों को एक ही पेट का दर्द है, ये अपन बाद में लड़ लेंगे, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजा, तो मजलिस नहीं जीतना। तो वो होंगे, क्या कर सकते, इधर से उधर कूदना। तो 4 हमारे उम्मीदवार है, और हमारी बहन रश्मि पटेल की आपने तकरीर सुनी, मेरे को अभी उस्मान गनी साहब उसका तर्जुमा करके सुनाए। मैं हमारी बहन को अभी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बेहतरीन अपने जज्बात की तर्जुमानी की, और मुझे यकीन है कि ना सिर्फ रश्मि पटेल वार्ड नंबर 24 बल्कि 20, 25 और 28 से इंशाअल्लाह ताला आप लोग यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। और याद रखिए, इलेक्शन T20 होता, टेस्ट मैच नहीं होता। पोलिंग 5 बजे तक है, 7 बजे तक, 5 बजे तक आपको बैटिंग करना है, सिंगल डबल चौवा छक्के, कभी दूसरे को आप वाइट दला देना, उससे उसको इतना प्रेशर में लाना कि उन्हें नो बॉल डाल देना। समझ गए ना आप क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मगर लड़ना नहीं, किससे भी लड़ने का नहीं है, ये जीतने का दिन है, और जीत उस वक्त होगी जब आप हिम्मत से, सबर से, पूरी प्लानिंग से काम करेंगे। और आप ये मत समझिए कि 4 ये कैंडिडेट है, पूरा बीजापुर की जनता मजलिस के कैंडिडेट है। आप कामयाब होंगे जब ये 4 कामयाब होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये चारों हमारी बहनें मजलिस के जरूर हैं, मगर ये आपकी भी बहनें हैं, ये मजलिस के कैंडिडेट हैं। मेरी आप से दबन गुजारिश है कि आप मजलिस का काम अपने घर का काम समझकर करिए। अगर कोई बोलेंगे अरे मयम का क्या है, मेरे भाई ये लोग नहीं जानते कि एक एक घर जो आज इस रोड पर मैं चला हूं, जो दौरा मेरा हुआ है 1.5 घंटे में, जो मेरा बुरा हाल कर दिए लोग, कोई हाथ खींच रहा, कोई पैर खींच रहा, कोई सेल्फी ले रहा, कोई गले में हाथ डाल रहा, कोई लपेट जा रहा, कोई फूल का हार दे रहा,
मैं आप तमाम की मोहब्बत को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी इज्जतदार मां और बहनों को भी सलाम करता हूं कि वो दूर से खड़े होकर जब मैं उनसे कह रहा था कि दुआ करो तो कई माओं की आंख में आंसू थे और मुझे हाथ दिखाकर इत्मीनान दिला रहे थे कि तुमको वोट डालेंगे और तुम्ही को कामयाब करेंगे। अल्लाह उनके उस जज्बे को सलामत रखे। मैं उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाल्लाह अवाम का एक अजदहाम था, हजारों की तादाद में नौजवान और बुजुर्ग थे। मैंने पूरी कोशिश की कि बुजुर्गों से मिलूं, उनसे दुआएं हासिल करूं। मैंने अपने बुजुर्ग माओ के सामने अपने सर को झुकाकर कहा कि अम्मा, एक दीवाना तुम्हारे शहर में आया है, मैं तुम्हारे सामने भीख की झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि तुम मेरी झोली अपने इत्तेहाद से भर दो, मेरे सर पर अपना हाथ रख दो। तो कई माओ ने मोहब्बत से, शफकत से इस गुनाहगार के सर पर अपना हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे दुआएं दी। मैं उन माओ को सलाम करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन माओ को सलामत रखे और उन माओ का जज्बा उनकी औलाद में, उनकी नस्लों में अल्लाह पैदा कर दे, जो माँ इतनी बहादुरी के साथ आज एक दीवाने को देखने के लिए। और मुझे हौसला मिला आज के उस दौरे के बाद, और मुझे यकीन भी हुआ कि इंशाअल्लाह ताला अब कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी मिल ले, मगर इन चार वार्ड से इंशाअल्लाह ताला मजलिस की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपका जज्बा देखकर मुझे कहना पड़ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, सिर्फ चार लड़ रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी में हलचल है, सिर्फ चार लड़ रहे हैं तो रातों की नींद इनकी खत्म हो गई, सिर्फ चार लड़ रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, अब चार लड़ रहे हैं तो इनको डर पैदा हो गया कि जब अप्रैल में असेंबली का इलेक्शन होगा तो क्या होगा, इनको डर पैदा हो गया कि अगर यहां से मजलिस कामयाब हो जाएगी तो ये मजलूम अवाम जिसको बेजुबान करके रख दिया गया, ये कमजोर अवाम जिसको बीजेपी से डरा डरा कर धोखे के नाम पर वोट हासिल किया गया, आज ये दोनों परेशान है कि मजलिस इनके दिलों से बीजेपी आरएसएस का खौफ निकाल कर रख देगी। और मजलिस ये पैगाम आपको देने आई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि कांग्रेस हमारी मजबूरी नहीं है, बीजेपी आरएसएस से डरना नहीं है, मजलिस तुम्हारी ताकत है, मजलिस तुम्हारी पहचान है, मजलिस तुम्हारी सच्ची आवाज है, मजलिस तुम्हारे दिलों में छुपे हुए जज्बात की तर्जुमानी करने वाली है, मजलिस नौजवानों की आंखों से आंसू बहने वालों के आंसुओं को समझती है, मजलिस गरीबों की गुर्बत को समझती है, मजलिस हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत नहीं करती, मजलिस कमजोरों को उनका हक दिलाने का नाम है, मजलिस मजलूमों को ताकतवर दिलाने का नाम है, मजलिस जालिमों को हराने का नाम है, और हम हराएंगे इन जालिमों को इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपने के कोर्ट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए, और जब 28 तारीख के दिन देखने वाले देखेंगे कि इन चारों वार्डों में ना कांग्रेस का निशान, ना भाजपा का निशान, ना किसी का निशान, अगर आसमानों में कोई चीज नजर आएगी, रोड पर कोई चीज नजर आएगी, घर में कोई चीज नजर आएगी, फोन पर अगर कोई रिंग होगा तो सिर्फ वही पुकारेगा कि अब इन चारों वार्डों में खाली पतंग 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 और पतंग का काम हो रहा है। तो मेरी नौजवानों से अपील है, नौजवानों जरा उस दिन जरा हरकत करो, हरकत में बरकत है। सेलफोन पे अपने दोस्तों को बोलो, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, आज पतंग उड़ाना है। नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है, आप, मैं आपको जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। नौजवानों ये लड़ाई हम तुम्हारी लड़ रहे हैं,
चाहे वो नौजवान हमारी बहन हो या हमारा बेटा हो या हमारा भाई हो, कल तुम इस मुल्क के, इस रियासत के, इस शहर के मुस्तकबिल के फैसले करोगे। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई तुमको लीडर बनाने की है, ये लड़ाई तुमको हक दिलाने की है, ये लड़ाई तुम्हारे दिलों से भाजपा आरएसएस के खौफ को निकालने की लड़ाई है, ये लड़ाई कांग्रेस के झूठे वादों को समझने की लड़ाई है। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। और हां, इस बात को याद रखिए कि मेरे आज के इस तकरीर और भाषण के बाद, कल सुबह फजर की नमाज के बाद सब काम पे लग जाएंगे। भाजपा वाले, कांग्रेस वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हू करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके औले जौले भाई करेंगे। ये दोनों राम और श्याम की जोड़ी है, याद रखो आप, समझ गए ना? ये दोनों राम और श्याम है। अब वो जो भी, वो भी है, वो भी बोल दो। तो ये दोनों मिलके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बोलेगा इन्हें एंटी नेशनल है, इन्हें इसको वो मुल्क छोड़ के भिजा दो। दूसरे बोलेंगे इन्हें बीजेपी से मिले हुए हैं। तो मैं इन दोनों से कह रहा हूं, भाजपा और कांग्रेसियों से, कि अब आप डरा नहीं सकते, अब आप मजबूर नहीं कर सकते, अब हम उम्मीद की बुनियाद पर, बीजापुर की जनता के उम्मीद की बुनियाद पर मंजलिस आपसे अपील कर रही है कि आप मंजलिस के चार उम्मीदवारों को वोट दीजिए। क्योंकि आपने देख लिया कि ना यहां पर रोड है, ना यहां पर पीने के पानी का इंतजाम है, ना ड्रेनेज लाइन है, बल्कि सैलाब आया तो भी डिस्ट्रिक्ट को पैसे कम मिले, सैलाब आया भी तो डिस्ट्रिक्ट को पैसे कम मिले। तो क्या आप लोग इस बात का वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इन चारों वार्डों में आप पतंग के निशान पर वोट लगाएंगे? जरा सोच के बोल दो, टाइम है अभी, नहीं तो बाद में पकड़ लूंगा मैं तुम्हारे को आके। मैं बहुत से लोगों के पीछे पड़ गया तो उनको नहीं छोड़ता मैं, मगर मेरा हक बनता तुम्हारे पीछे पड़ना, मेरा हक बनता तुमसे वोट लेना। मैं गैर नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा खादिम हूं। मेरा हक बनता कि तुम्हारे घर पे जाकर दस्तक मार कर कहूं कि भाई उठो, जागो, अब खौफ और धोखे की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर मजलिस के पतंग के निशान पर वोट दो। ये मेरा हक बनता तुम पे, और तुम्हारा भी हक बनता मुझसे कि तुम मेरा हाथ पकड़कर पूछ सकते, बताओ ऐसी साहब क्या कर रहे हैं आप? आज इतना पैदल दौरा हुआ, नौजवान तो बीजापुर के रिकॉर्ड तोड़े बाबा तुम लोग। अरे जरा हाथ मिलाने दो, बोलते ये एक ले लेंगे ना। अरे इधर हाथ मिलाने दो, बोलते इधर एक ले लेंगे ना। इतने सेल्फियां ले, वो सेल्फी लेने वालों को मैं बोल रहा हूं कि तुम वोट डालना, खाली फोटो लेके खुश नहीं हो जाना। एक तो नौजवान ऐसा आया कि हेयर कट माशाल्लाह जबरदस्त था उसका, ये पूरा साफ, खाली यहां बाला यहां बाला। अरे मेरा ले ले, बोले नू, अरे ले ले बाबा, बोले बोले ठहरो भाई, हेयर सेट। अरे मेरा हेयर ही नहीं है, बोले जो भी है सेट करके लूंगा। मैं उसका हाथ पकड़ के बोला ये सेट सही है, 28 को पूरी सेटिंग करा नहीं करा? वो बोला वो तो सेट ही है पूरा, मंजलिस को वोट देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस बात का वादा किया कि इन चारों वार्डों से आप मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करेंगे, और हमारी ये बहनों को आप लोग कामयाब करेंगे, हमारे उम्मीदवारों को। और खास तौर से अपील कर रहे हैं कि कल से शुरू हो जाएंगे पूरे ये लोग आपके महलों में आएंगे। अरे वो उसकी तकरीर पे नहीं जाना, उन्हें जज्बाती बातें करते, अरे तुम भी करो ना, तुमको तकरीर करने से कौन रोक रहा, बोलो तुम भी आके। नहीं नहीं हम नहीं बोल सकते, पार्टी की पॉलिसी है। अरे कई की पॉलिसी है तेरी पार्टी की, सच्चाई बोलो,
हकीकत बोलो बीजापुर की के पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, बारिश हुई तो पूरे घरां डूब जाते, रोड नाम की चीज नहीं है, गारत का घड़ा है भरता नहीं, पॉलिटिशियनों का यहां के खारे सो खारे, खारे सो खारे, और फिर हमको गाली देते। तो इनका कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएंगी, मुझे परवाह नहीं है। ये जितना मेरे को गाली देंगे, जितना मेरे को डराएंगे, जितना बोलेंगे, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अहले बैत के सदके, औलिया अल्लाह की दुआएं और अहले दिल की जो मेरे साथ निस्बत है, दुनिया का कोई मायका लाल मेरी जबान को नहीं रोक सकता। एक ही चीज मेरी जबान को रोक सकती है, वो मौत। ले लो जान, मैं खड़ा हुआ हूं तुम्हारे सामने। एक मर्तबा 6 गोलियां मारे दीवाना, 6 फीट से मारा, किधर मारा नहीं मालूम, मगर टाइम नहीं था, कुछ दिन टाइम नहीं था मेरा। जब टाइम आएगा मैं जाने तैयार हूं, जाना है सबको, कौन रुकेगा इस दुनिया में, जो भी आया सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा, मगर जब तक जिंदा रहूंगा तुम तमाम जालिमों के लिए दर्द सर बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मजलूमों को इख्तदार नहीं मिलेगा, जब तक कमजोरों को ताकत नहीं मिलेगी, जब तक के हक वालों को हक नहीं मिलेगा, ओवैसी तुम्हारी बात करता आया है, मजलिस तुम्हारी बात करती आई है, हम तुम्हारी बात करते रहेंगे। लोग बोलते तुम मां लड़े या इलेक्शन लड़े, अरे दीवाने, लड़ने वालों को याद रखते, दुनिया लड़ने वालों को याद रखती, दुनिया बुजदिलों को, गुलामों को याद नहीं रखती। जब तारीख लिखी जाएंगी 100 साल के बाद, तो बीजापुर का आज का नौजवान बच्चा जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो बोलेगा, हां मैं जवान था, एक लड़ने वाला आया था, हम लड़ना शुरू किए, उसके बाद बीजापुर की तारीख हमने अच्छाई के लिए बदल दी। और उस अच्छाई के लिए, आपको बदलने के लिए, मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे को कई लोग मैसेजेस करे कि यहां के बीजेपी के एमएलए के बारे में बोलो, मेरे को देखिए, सुनिए, अबा यहां पर भी है, हेलो, बम्पर है पूरा, भर गया पूरा, माशाल्लाह। तो सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, जरा सुनो, जरा सुनिए 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 सुनिए, देखिए, हम सबके बारे में बोलते हैं, हम पहले मोदी साहब से शुरू करके आएंगे, इनका नंबर बाद में आएगा, पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर आरएसएस, फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कांग्रेस, कांग्रेस की लीडरशिप, इनका नंबर बाद में आएगा। ऐसा है ना मेरे भाई, जो लोग मेरी मुखालिफत करते, मैं उनकी मुखालिफत को देख के बोलता रही, इन्हें मेरी मुखालिफत करने के लायक भी नहीं है, समझे ना आप। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कल प्राइम मिनिस्टर जो है दिवाली मनाए लद्दाख में जाके, आप देखे होंगे कि भारत के सिपाहियों के साथ अच्छा किया गए, वो बेचारे सिपाही हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं 15,000 फीट के ऊपर, वहां पर सांस लेना बड़ा मुश्किल, अच्छा किए प्राइम मिनिस्टर गए। मगर प्राइम मिनिस्टर जब लद्दाख को गए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक कहना चाहिए था वहां से कि चाइना अपनी फौज के साथ, 50,000 फौज चाइना की डेबसांग और डेमचाक में भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी हुई है,
चाइना की फौज जो हमारे ग्रेजिंग राइट से यानी जानवर लेकर हमारे लोग पहाड़ों पे ऊपर जाते थे घास खिलाने, ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर चाइना की फौज बैठी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्राइम मिनिस्टर ने सब बोला मगर चीन नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर चाइना का नाम लेने से डरते क्यों हैं? चाइना का नाम लेने से क्यों डरते हैं? अरे जब आप वो सिपाही को बोलना था कि चाइना आंदो चाइना का बाप आंदो हम जमीन हासिल करके रहेंगे भारत की, प्राइम मिनिस्टर बोले ही नहीं, टाइम टाइम हो गया पूरा वहां पर अजा हो रही। एक अजा के लिए रुकेंगे फिर आता हूं प्राइम मिनिस्टर को। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था भारत के हमारे वजीर आजम के बारे में। अब नौजवान जो है, अच्छा यहां पे मैं एक सवाल करूंगा, आप उसका जवाब हाथ उठा के देना। यहां पर कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? आपको नहीं चाहिए, आप ना प्रेस के हैं, अभी तक है नौकरी आपका नहीं। अच्छा हाथ नीचे रख लो। तो एक हमारे एक दोस्त इसके ऊपर एक शेर लिखे कि भारत के प्रधानमंत्री को जब नौकरियां पूछते उन्हें बोलते कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचानो। तो नौकरी नहीं दिए, आज भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है पूरी दुनिया में तो नौजवान है। तो किसी शायर ने अच्छा कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, सुन रहे आप, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगा था रोजगार मिटा, मिला आटा दाल चना। यानी नौकरी पूछे तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे ये ले लो आटा दाल चना। अरे आटा दाल चना लेके क्या करेंगे प्रधानमंत्री? नौजवान को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा,
अब आप आगे नहीं, 2024 तक मैं सिर्फ 10 लाख दूंगा। ये कितना बड़ा झूठ बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री ने देश और मुल्क के नौजवानों से और इस देश की जनता और आवाम से किया। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई? कम नहीं हुई? जोर से बोलो। फिर आप बीजापुर में बीजेपी को वोट डालते पेट्रोल डीजल की कीमतें देख के? गनीमत। तो अब आप बताइए कि आपको मालूम रोज भारत में कितने लोग भूखे सोते? भूखे कितने लोग सोते भारत में मालूम आपको? ये मैंने कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मोदी ने लिख कर दिया, भारत में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। और आप सोचो उस गरीब पर क्या गुजरती होगी, 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिया उन्होंने। आप बताइए, उसके बावजूद भी बीजेपी आरएसएस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे भूख का कोई मजहब नहीं होता, गरीब का कोई रिलीजन नहीं होता। खाना तो नहीं खिला सके मगर लड़ा जरूर सकते हो, लड़ा रहे एक दूसरे को पूरे मुल्क में आप लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप आ जाइए होम मिनिस्टर साहिब पर, अमित शाह उनका नाम है। तो आज एक अंग्रेजी अखबार है, आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राफ इंडिया है, उसके बारे में न्यूज आई कि राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव हैं वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। उस रिपोर्ट टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि गलत है काम ये, जिन बॉर्डर इलाकों पे गैर मुसलमानों की आबादी है वहां पर सर्वे क्यों नहीं कराएंगे आप? सबका सर्वे कराओ ना आप। आखिर क्यों ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मुसलमान राजस्थान के बॉर्डर पर रहता है वह भारत का वफादार नहीं है? किस बुनियाद पर आप हमको रुसवा कर रहे हैं? किस बुनियाद पर आप हमारी वफादारियों पर शक कर रहे हैं? अमित शाह और बीजेपी वाले बताओ कि राजस्थान में जो गांव है बॉर्डर से लगे हुए, मैं गया हूं उन गांव में, उन गांव में मैं गया हूं, और एक गांव में गया था मैं तो वहां पर उन मुसलमानों ने मुझे रात में 10 बजे बुलाया और इसरार किया कि आओ असदुद्दीन ओवैसी। मैं गया एक गांव में, मुसलमानों के गांव था, तो वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक फूल चढ़ाना है। मैंने कहा कहां पर फूल चढ़ाना है? बोले आप चलो गांव में आओ। रात के 9 बज रहे थे, करीब 200-300 लोग थे, मुझे ले जाकर वहां पर उन्होंने वो फूल रखा। मैं किसकी थी वो रीत रखने की जगह? वो उस हमारे बहादुर सिपाही की जगह थी जो पाकिस्तान से कश्मीर में टेररिस्ट आए थे, उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। और आज आप उनका सर्वे कराएंगे बीजेपी वालों, जो अपनी जानों को कुर्बान करते हैं भारत के लिए? आप बताइए, फिर बीजेपी बोलती सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सब बातें लंबी लंबी छोड़ते हैं बैठ के खाली। अब आप बताइए क्या हो रहा है ये? माने आप उन जगहों का सर्वे सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, सब जगह कराओ आप, बिहार का इलाका हो, सबका कराइए, मगर नहीं खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया, तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं,
मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप, ये भाजपा और बीजेपी आरएसएस गलत काम कर रही है, सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराएंगे? हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तो इन हालात में आपको एक अच्छा फैसला करना है। अब मैं यहां पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आपका यहां का एमएलए ये कह रहा है कि यहां के बीजेपी के एमएलए बोले, प्रेस का स्टेटमेंट है, मैं 2500 करोड़ दिया तो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बन जाता हूं। बोले ना, बोले बोले, डर के नहीं बोलना, बोले नहीं बोले। अब पूछना पड़ेगा तेरे के ने 2500 करोड़ कहां से आए रे? 2500 करोड़ तेरे को कौन दिया, कहां से आए? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2500 करोड़ गसरे निकल रहे, गसरे निकल रहे हैं? तेरे के ने मोकिला है, अजिन्नात की फौज है, 2500 करोड़ दिए तो प्रधानमंत्री जी आप तो गरीब है, आप तो बोले मैं झोला लेके चले जाऊंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री 2500 करोड़ समझ में नहीं आया, इन्हें भी क्या लंबी लंबी छोड़ रहा क्या? वाह, 2500 करोड़ दिए तो बन जाता मैं। अच्छा, बीजेपी में शायद मुख्यमंत्री बनने की फीस यही छे, नहीं मालूम उन्हें, बोले बोल तो बोल रहा हूं मैं, ये प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मैं बड़ों से बात करता हूं, लेवल के लोगों से, उनको बोलना पड़ेगा 2500 करोड़ कैसा है भाई। अब ये बेचारे पुलिस वाले जो काम करते हैं उनको क्या 1 लाख 1.5 लाख 80 हजार उनको सोचेंगे, और अम्मा पोस्टिंग का क्या होता कि अब अरे आप 2500 करोड़ मामूली बात है, मगर कुछ नहीं तो शायद प्राइम मिनिस्टर को मालूम भी होगा। अच्छा, हम प्राइम मिनिस्टर से दूसरा सवाल कर रहे, आपका एमएलए ये बोला कि हलाल गोश्त के वो लेके धर्म परिवर्तन करते, बोले ना, बोले ना, बोले ना, बोले, हाँ या मैं झूठ बोल रहा हूं? अब आप ये बोलो, आपको मालूम हम जो भारत से गोश्त एक्सपोर्ट करते, 70 कंट्रीज को हम गोश्त एक्सपोर्ट करते, कितने 70 ममालिक को गोश्त हमारा जाता, ममालिक को एक्सपोर्ट करते, उसमें कौन से मुस्लिम ममालिक हैं? मलेशिया, इजिप्ट, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया भी है रे, यूएई। अच्छा, आपको मालूम कि हमारा जो इंडियन बफलो जाता जून 2020 और 21 में 3670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, कितना हुआ? 3670 करोड़ 2020-21 में। इन्हों बोले 2500 में सीएम बन जाता हूं, 3670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ हुआ। अब छोड़ो जी, अब मैं बोर सुनो तुम, मगर तुम जो बोल रहे सही बोल रहे, मैं नहीं बोलता कुछ भी, मैं नहीं बोला, तुम बोले और तुम क्या बोले सब सुन लिए, मैं नहीं सुना। अब अप्रैल जून 2021-22 में वो 3670 करोड़ से एक साल में कितना बढ़ गया मालूम आपको? 7543 करोड़, 7540 पे 3 करोड़। अब इन्हों क्या बोल रहे, हलाल पे थूकते, धर्म परिवर्तन करते, बंद कर दो ना, ये बंद कर दो। कौन बोल रहा है ले जाओ एक्सपोर्ट करो? सऊदी अरब के बादशाह पूछेंगे, मोदी जी बोलेंगे मित्रों मैं भिजा रहा हूं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे नहीं मालूम,
यूएई पूछेगा, मलेशिया पूछेगा, इराक पूछेगा, 70 कंट्रीज पूछेंगे। आप बोलो, बंद करो, तुम धोखा दे रहे, बीजापुर की जनता को लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर रहे, भारत को डॉलर मिल रहे, भारत को पैसा मिल रहा, भारत मजबूत हो रहा, मगर इन्हों या झूठ बोल रहे, या तो हम ही गोश्त खाते, खाने को खाना नहीं है मुसलमानों को, दलितों को, हमारे गोश्त के पीछे पड़े हुए। तो कितना बढ़ गया एक साल में, 110% बढ़ गया, 3,670 करोड़ से 7,540 पे 3 करोड़। अच्छा, आपको मालूम कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? एक कंपनी है अलाना कंपनी है, कितना एक्सपोर्ट करती है, 2,028 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करते। अलाना का मालिक कौन है? सऊदीन ओवैसी है? नहीं है। एक अलहम्द फूड है, 400 करोड़ का एक्सपोर्ट करे, मीशा एक्सपोर्ट 300 करोड़, और एचएमए एग्रो 290 करोड़। अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग, तुम न खाओ, कोई मजबूर नहीं कर रहा, मगर नहीं ये हलाल। अच्छा ये कौन है रे भाई? अच्छा आपको मालूम बंबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बंबई से होता, 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर, नहीं करेंगे। बंबई में आपकी सरकार है ना, मुंबई में आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर, बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट बंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो, आपके योगी है वहां पर, बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज क्लोज। तो मालूम क्या हुआ? अब आप एक बात समझो, नहीं 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 वैसा नहीं, समझो, सुनो मेरी बात। अगर कोई एक भैंस काट के दुकान पे लाके बेचता तो उसने घर को शाम में 11 बजे गए अब तक 100 या 300 रुपए कमाता। हमारे कुरैशी भाई को है यहां पे, 300 रुपए कमाते ना, 300-400 कमाते होंगे 12-15 घंटे काम करने के बाद। तो इन्हों क्या बोल रहे, उन्हें 300 रुपए नहीं कमाना, उन्हें हजारों करोड़ कमाना। गरीब भूखा मर जाना और अमीर दौलतमंद रहना, क्योंकि इनसे मिला हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी है बीजेपी की बताओ? के बोलते हलाल आया तो थूकते, अरे के नहीं थूकते रे। अच्छा ये बोलो, क्या तरकारी हलाल नहीं है? है ना तरकारी हलाल, पानी हलाल है, शराब हलाल है? नहीं है। वो कुत्ते का पेशाब है, पीने वाले भी कुत्ते का पेशाब पी रहे, आप पियो, मैं रोक नहीं सकता हूं। पानी हलाल, थम्स अप हलाल, कोक हलाल, रूह अफजा हलाल, फंटा हलाल, मौसम्बी का जूस हलाल, तरकारी हलाल, पानी हलाल, हवा हलाल, अब हराम क्या है बताओ? तो मालूम हुआ कि गोश्त खाना इन बोरे बंद कर देना, क्योंकि गरीब भूखा मर जाना और ये पूरे एक्सपोर्टर्स जिंदा रहना। हम मर जाना, उन्हें जिंदा नहीं बल्कि अय्याशी करना अपने पैसों से। अब ये बताओ, कर्नाटका की बात हम कर रहे हैं, मैं मीडिया में देखा, ये मीडिया वाले जिम्मेदार हैं, इन पे केस बुक करना, ये कैमरा वाले, उन्होंने ये बताए कि बोम्बई सरकार 40% पे काम करती। देखे ना मीडिया में आप, देखे नहीं देखे, देखे नहीं देखे, 40% पे का डर रहे कई को जी, हा? हमको कुछ मिला ही नहीं, 1% भी नहीं मिला हमार को, उनको ही मिल रहा सब। अंदर बैठ के खम्मा में पूरे नंगे बोलते ना, वैसा हाल है 40%। तो करप्शन लेना हलाल है या हराम है बीजेपी वालों, बता दो हमको अब आप, करप्शन हलाल है या हराम है? 40% आप ले रहे, हमारा बेचारा एक गोश्त की दुकान पे 14 घंटे काम करता, कट 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 बा बेचता बेचारा, उसके पीछे पड़ गया। अब आप ये बताइए, और फिर अब आप और एक बात,
इन्हू बोल रहे कि नहीं। हाँ इन्हू और एक बात बोले, भाई मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी क्या बीजापुर पाकिस्तान है? तो आपसे नहीं है, उनसे दिल्ली के बादशाह से पूछ रहा हूं। इन्हू बोले बीजापुर इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान है, ये भारत का अटूट हिस्सा है बाबू, और सुबह कयामत तक रहेगा। मोदी जी आप बोलो ये भारत का हिस्सा है या नहीं है, बोलो मोदी जी। आपका आदमी बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान, नो इट इज इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी इंडिया, बीजापुर विल बी इन इंडिया ओनली, बीजापुर इज द हार्ट ऑफ कर्नाटका, बीजापुर इज द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका, बीजापुर के ये गुम्बदें बीजापुर और कर्नाटका की खूबसूरती को दिखाती हैं, आदिल शाह की, निजाम शाह की और बेमानी बादशाहों की। अब आप बताइए मोदी जी ये कैसा आदमी आपका बोल रहा हमको, इसको सिखाना पड़ेगा, उन्होंने सिखा हम नहीं सिखा सकते। फिर मोदी जी आप बोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इनका एक वीडियो निकला इसमें उन्होंने बोले कि मैं मुसलमानों का काम ही नहीं करता, बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले। अच्छा इससे पहले ऐसा कोई बोले इनको, इससे पहले मैं जो बोल रहा ऐसा कोई बोले खुलेआम? क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, कई क्यों नहीं बोले? मिले हुए है जी, औले जौले है दोनों अंदर से, समझे ना, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, मैं उसको डराता हूं तू इसको समझा जाके। अब तुम डराए तो भी नहीं डरने वाले, तुम समझाए तो भी नहीं समझने वाले इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब इन बीजेपी वाले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे ओवैसी दुश्मन है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाल दरवाजा है, वहां पे लाल दरवाजे की मंदिर है और मंदिर के पुजारियों को उस पुरानी मंदिर को मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए मजलिस की नुमाइंदगी पे दिलाए, कौन दिलाए मालूम आपको? अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जाके चीफ मिनिस्टर को बोले चीफ मिनिस्टर साहब ये मंदिर को पैसे दो, तो हमारा चीफ मिनिस्टर हां बोले यस, हमारा झगड़ा नहीं है इनसे, दो आप, हमारा झगड़ा आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस से सियासी झगड़ा है। 3.5 करोड़ रुपए दिए वही मंदिर के पुजारी साहब, कोविड की सेकेंड वेव में कोई अस्पताल में जगह नहीं मिली, अकबरुद्दीन ओवैसी असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिला के इलाज कराए। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। हां मेरे को आप वोट मत दो तो क्या मैं आपको इंसान नहीं बोलूंगा, मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा? और देना नहीं देना वो भारत की आवाम का, जनता का जमहूरी हक है, और आप वोट नहीं दिए उन्हें वहां का भगा दो, उसको इधर भगा दो, उसको क्या बात है बताओ आप, इतनी नफरत क्यों? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं है? और जिन लोगों को तुम गाली दे रहे सुनो, जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, अगर सबसे पहले किसी ने अपना खून बहाया तांतिया टोप के साथ, झांसी की रानी के साथ, तो उसका नाम किसका आएगा? मुस्लिम उलमाओं का नाम आता। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया था? मुस्लिम उलमाओं ने दिया था। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह काले पानी की सजा काटे, और जब उनका बेटा उनकी रिलीज का आर्डर लेकर आया उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी अल्लाह के पास चले गए।
हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन, मक्का मस्जिद के इमाम जुम्मे की नमाज के बाद जनता को लेके निकले हैदराबाद के सुल्तान बाजार में, अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, कहा कि अब अंग्रेजों से मुकाबला होगा। मौलवी अलाउद्दीन को सबसे पहले ले जाकर काला पानी में डाल दिया गया। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए सब कुछ किया, मगर आज 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे और हमारे इलाकों का, आप मुस्लिम इलाकों का बॉर्डर में आप सर्वे करा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ये कौन सा अमृत उत्सव का मना रहे हैं आप बताइए? आखिर कब तक हमको शक की निगाहों से देखा जाएगा? ये गलत है। इस मुल्क की तारीख में जितना खून मुस्लिम अकलियत और दीगर अपनाए वतन के साथ सबने मिलकर खून बहाया, सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन थे? ये जय हिंद का नारा कौन दिए बोलो? ये जय हिंद का नारा कौन दिए? क्या आरएसएस ने दिया? एक मुसलमान सिपाही थे जो सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, हैदराबाद के थे, जर्मनी में पढ़ रहे थे, नेताजी से मिले तो बोले मैं आपका दीवाना हो गया। जर्मनी से सबमरीन में जब नेताजी एशिया गए तो साथ थे। जय हिंद का नारा भी तो हमने दिया। अच्छा, ये तिरंगे का आखिरी डिजाइन किसने मुकम्मल किया? एक हैदराबाद की खातून थी जिसने तिरंगे के फाइनल डिजाइन को उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूव किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन हमारा है, आपका है, सबका है। इस वतन का कोई मजहब नहीं है। ये वतन ना मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये वतन इन तमाम का है। इस वतन का कोई मजहब ही नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है। यही भारत की ताकत है, यही भारत की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को आपको हमको मिलकर बचाना है। बीजेपी आरएसएस एक ही बात बोलते। अब वो परसों आरएसएस के एक लीडर बोले, उसका जवाब दिया एक जलसे में मैं, उन्होंने क्या बोले कि ये मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही। नहीं बढ़ रही आपकी आबादी, आपका टीएफआर सबसे ज्यादा गिरा है। टीएफआर मुसलमानों का बहुत ज्यादा गिरा है, मगर इनको पॉपुलेशन बढ़ा रहे, पॉपुलेशन बढ़ा रहे। अरे कहां बढ़ा रहे? टीएफआर तुम्हारी गवर्नमेंट बोल रही। अच्छा, फिर आरएसएस ये बोलती है कि बांग्लादेश से लोग इंडिया में आके धर्म परिवर्तन करा के पॉपुलेशन इंबैलेंस कर रहे। कैसा कर रहे भाई? ऐसा बोल के तो आप बीएसएफ को कमजोर कर रहे हैं। वो बीएसएफ के लोग जो धूप छांव सर्दी में खड़े होकर सरहद की हिफाजत करते, अब उनको क्या बोल रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं उनको आप? बांग्लादेश से आ रहे। अच्छा, आप आ रहे तो आप जाके पकड़ लो, बीएसएफ को हटा देंगे। आप आरएसएस का डंडा लेके खड़े हो जाओ, खाकी पैंट व्हाइट शर्ट उंग टंग टंग, रोक दो आप। मगर नहीं, आप बोल रहे उन्हों आके, अरे कहां कर रहे? मगर मकसद क्या है? नफरत पैदा करो, हमारे हिंदू भाइयों को डराओ मुसलमानों से। मगर मुझे यकीन है कि भारत में आज भी एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई रहते हैं जो इस मुल्क को इस नजरिए से देखते हैं कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। मैं ऐसे कई हमारे हिंदू दोस्तों को जानता हूं जो अपने मजहब पर फखर से चलते हैं और कहते हैं कि भारत का कोई मजहब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे भी शिकायत है, जब CAA NRC का एहतजाज हुआ आपने हिस्सा लिया? आपने लिया? जुलूस निकाले बीजापुर में? खूब निकाले? कितने निकाले? खूब निकाले? कहां है? इधर आओ, मां तुम इधर आओ, आओ ठहरो जरा, तुम आओ। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं इनको? इनको एनआरसी खाला बोलते, इनको एनआरसी खाला बोलते। अब आपसे शिकायत क्या है? हम पूरे भारत में जुलूस निकाले,
पूरे हर जगह पे पूरा मन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आप खामोश हो गए, उसके बाद ठंडे पड़ गए। मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको, शुरू में तकरीर में बोला कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोज प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी सियासी जमात ऑर्गेनाइज रोज एहतजाज नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं देती परमिशन आपको। मगर वो एहतजाज हमको, उस एहतजाज को एक सियासी ताकत में तब्दील करना था, जो हम नहीं कर सके। हम निकले हजारों की तादाद में, शाहीन बाग बनाया हमने, भारत के कोने कोने गलियों में गांव में एहतजाज हुआ, नो CAA, नो NRC, नो NPR। मगर उसके बाद हमने सियासी ताकत में कहां तब्दील किया। पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत है। याद रखो, सिर्फ एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, एहतजाज को सियासी ताकत के हासिल करने का जरिया बनाना पड़ेगा। वो हमने नहीं किया। अब एक बहन खड़ी भी है, आपको इनको कामयाब करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में मैं इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए थे, और इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा, असद भाई आपकी तकरीर आएंगी, क्या करने वाले आप? मैंने कहा, इम्तियाज जलील साहब बैठो, अभी देखो। हम उनको बिठाए, पूरी तकरीर मैं किया, और आखिर में मैंने भाजपा के 300 MPs के सामने, कांग्रेस के कितने चिट्टे हैं कि नहीं मालूम, 40 है, 40 है शायद, हाँ, बहरहाल, तो उनके सामने मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने, जब उस वक्त तक महात्मा का खिताब नहीं मिला था, गांधी ने उस वक्त के व्हाइट साउथ अफ्रीका में, वहां पर गांधी ने उसके कानून के कहकर फाड़ दिया था कि यह कानून नाइंसाफी पर बना हुआ है। आज असदुद्दीन ओवैसी गांधी की तारीख को दोहराते, और पार्लियामेंट में मैंने उसको काला कानून कहकर फाड़ दिया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तो एहतजाज किए, मेरी बात समझो, मेरी बात अपने दिमागों में डालो और सोचो कि एहतजाज तो हम तो किए, मगर सियासी ताकत क्या हासिल की हम? हजारों की तादाद में निकल कर आए सब लोग, भूख हड़ताल बैठे, एहतजाज किए, मगर उसका नतीजा क्या निकला? आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, दूसरों को हो गया पॉलिटिकल फायदा। यानी हम आपको दखनी एक कहावत है ना, कि क्या बोलते हैं, मामू की दुकान पे नाना की दुकान पे, क्या मामू की दुकान पे नाना की फातिया। यानी हम लड़ रहे, आप फायदा उठा रहे, तो इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, ये चारों कॉरपोरेटर्स को आप वोट डालिए, लीडरशिप बनाइए। याद रखो, तुम असदुद्दीन ओवैसी से गिर गिर कर हाथ मिला रहे थे, फोटो ले रहे थे, एक दिन असदुद्दीन ओवैसी मरेगा, जब तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम? जब तुम रोते बैठोगे, अरे एक था हमारा लड़ने वाला, उन्हें भी चले गया? नहीं, मेरे जिंदगी का मकसद और मेरा, मेरी जमात का पैगाम यह है, अगर एक मरेगा जो सब मरेगा, तो हजार उसकी जगह लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझसे ज्यादा काबिल बनो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बनो, तुम मुझसे ज्यादा बोलने की सलाहियत पैदा करो, और अल्लाह तुमको मुझसे ज्यादा नेक और काबिल बनाए, ताकि एक आदमी के तुम मोहताज नहीं रहना, तुमको हजारों लोगों की जरूरत है। मजलूमों की लड़ाई एक आदमी नहीं लड़ सकता, मजलूमों की लड़ाई के लिए हजारों को खड़ा होना पड़ेगा। यही भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरियत में लड़ाई लड़ना एक नहीं बल्कि हजारों को लड़ना पड़ेगा। और आप इंशाअल्लाह ताला जब पोलिंग का दिन होगा, 28 तारीख, तो आपकी लड़ाई है, ये जमहूरियत को जिंदा रखने की लड़ाई है, ये दौलतमंदों को दिखाने की लड़ाई है कि तुम्हारी दौलत पर हम ईमान का जमीर का सौदा नहीं करेंगे,
हम जालिमों के डराने से ये नहीं डर और खौफ का शिकार नहीं हो जाएंगे। हम कांग्रेस जैसी झूठी जमात के दिल फरेब बातों में आकर अपने वोट का नुकसान नहीं करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी ये कर्नाटक में इनके कितने एमएलए चले गए बीजेपी में, कितने गए? हाँ कितने गए? जोर से बोलो, डर रहे? जोर से बोलो। मैं गुलाब जामुन खिला उनको या तुम खिलाए? क्यों गए? उनको मोदी की चाय पसंद आ गई, उनको मोदी की शक्कर वाली चाय पसंद आ गई, उनको मोदी की मलाईदार चाय पसंद आ गई। तो बोले मलाई वहां पर है, शक्कर वहां पर है, हम वहीं पे जाके मजे लेंगे। अब हम इलेक्शन लड़ने आए तो शुरू हो गए ये दीवाने मेरे। अरे इतनी मोहब्बत मेरे से क्यों करते भाई आप? अब तो मेरी दाढ़ी भी वाइट होना शुरू हो गई, बट मैं जवान हूं अभी भी। शेर के दाढ़ी वाइट हो गई तो क्या उसकी मुच्छों को हाथ लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। और मैं कोई कलर नहीं करता हूं क्योंकि मैं खुद कलरफुल हूं। अब इसका गलत मतलब नहीं निकालना तुम, मगर आपसे बताना ये चाह रहा हूं कि कांग्रेस डरा डरा कर वोट हासिल करती, उन्हों बीजेपी आ जाती वोट दो, मोदी को रोकना है वोट दो, आरएसएस को रोकना है, अच्छा दिए ना, मगर आपके एमएलए क्यों भाग गए? तो बोले नहीं उन लोग बिक गए। हाँ क्या है? हाँ क्या है ये बसा एमएलए बोला दो सौ, क्या बोले हम सुनो? हाँ क्या बोले? अच्छा जो बड़ेवाड़ी के एमएलए बोले कि एमआईएम के दो जीते कोलार में तो दर्द सर बन गए, अब बीजापुर में दर्द सर बना सकते कहते। खाली दर्द में तुम्हारे सर में दर्द हो रहा, वहां नहीं हो रहा, माने पेट में। गलत मतलब नहीं निकालना भाई, नहीं नहीं पेट में, पेट में। हाँ डबल मीनिंग नहीं निकालना। पहले मेरे पे केस बुक हुआ, मैं खुद परेशान हूं कैसा परमिशन मिला बीजापुर में, इतने मर्तबा रोके मेरे को आने नहीं दे रहे। अरे इतना, अरे कितने, पांच मर्तबा रोके, आठ मर्तबा, ऐसा लग रहा था कि मेरा ससुराल यहां पे नहीं आना है। क्या है भाई, पूरे भारत का एमपी हूं मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी जा सकता हूं, मगर खैर आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आया बीजापुर, बार बार आऊंगा इंशाअल्लाह, बार बार आऊंगा। मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं, मैं आपकी इस दीवान की मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करूं मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर सिर्फ अपील कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों बुजुर्गों, ये चारों को जिता दो मेरे भाई, ये चारों को जिता दो, चारों को जिता देंगे ना आप, चारों को जिता देंगे ना आप, तो दर्द सर भी होगा और जिस्म में भी दर्द होगा उसके बाद। तो बहरहाल अब आखिर में ये सरजमीन चांद बीबी की भी है ना, चांद बीबी यहां से बैठ के, उनका मायका था अहमदनगर, ससुराल ये था, उन्हों मुगल बादशाह अकबर के नाक में दम कर दिए थे, उन्हों कर दिए थे। तो मैं सलाम करता हूं बीजापुर की हमारी बेटियों को जो हिजाब पहन के दिल्ली के बादशाह के लिए दर्द सर बन गए। मैं सलाम करता हूं कर्नाटका की उन बच्चियों को जो हिजाब पहनकर तालीम हासिल करना चाहती हैं। और सुनो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
सिर्फ दो वाकयात जहन में अचानक आ गए, ये बोलकर अपनी बात खत्म कर दूंगा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के वक्त हजरत उस्मान गनी ज़ुल्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के को भिजाया कि जाकर कुरैश के लोगों से मज़ाकरात करो, बातचीत करो, तो वो अपने एक रिश्तेदार के घर में ज़ुल्नूरैन ठहरे थे, तो उन्होंने हजरत उस्मान ज़ुल्नूरैन से कहा कि हजरत उस्मान, ये जो आपके कपड़े हैं ना, आप टखने के ऊपर आपका कपड़ा है और कुरैश के लोग जो जिनके कपड़े टखने के ऊपर रहते हैं उनको हिकारत से देखते, तो आप जरा ऊंचा कपड़ा पहनो ताकि आके आपका कपड़ा जमीन को लगता हुआ जाए। तो हजरत उस्मान ज़ुल्नूरैन ने क्या कहा, ने कहा कि कभी नहीं करूंगा मैं ये, क्योंकि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता दिया कि टखने के ऊपर रखना है, इसी में कामयाबी है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने तैयार नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। फिर मज़ाकरात हुए, तारीख में आ गया जो तारीख हुदैबिया के सुलह हुआ। फिर उसका एक और दूसरा वाकया, सहाबी रसूल हजरत हुदैफा, हजरत हुदैफा यमानी, अल्लाह माफ करे, गलमा हजरत हुदैफा नाम था, उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसरा के बादशाह के महल में भिजाए, बातचीत करो। जब बातचीत कर रहे थे तो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते क्या हुआ, जब निवाला ले रहे थे तो उसमें से थोड़ा खाना जमीन पे गिर गया, तो हजरत हुदैफा ने हाथ से उसको उंगलियों से उठाया तो उनके बाजू एक आदमी ऐसा उंगली मारा, बोले ऐसा मत करो, वो लोग हिकारत से देखते, से नीचे खाना उठाए खाया, तो बोले खबरदार, ये सुन्नत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नीचे गिरावा खाना अगर अच्छा है, साफ जगह पे गिरावा है, आप उठा के खा सकते हो, उन्होंने खा लिया, ये सुन्नत है, ये तो फर्ज है प्यारे, ये कहां छोड़ते, ये फर्ज है। और जो पहनती है मैं उनको सलाम करता हूं, जो नहीं पहनती मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 14 और 19 का मामला है, हम पढ़ना चाह रहे हैं। मैं सलाम करता हूं उन तमाम बच्चियों को जो तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे किसी मजहब के हो, वो तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में महिलाओं पर, ख्वातीन पर बहुत जुल्म होता है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत कह रहा हूं। आज ही एक वीडियो किसी ने मुझे भिजाया, उत्तर प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची का किसी जालिमों ने रेप कर दिया, वो बच्ची जमीन पर पड़ी हुई है, वो हाथ उठाकर कह रही है मेरे को उठाओ, तुम आपको मालूम वो बदमाश गंदे लोग तो उसका रेप किए, और लोग उसके अतराफ में उसका वीडियो निकाल रहे, क्या हो गया इंसानियत को मेरे भाई, क्या हो गया इस देश में इंसानियत को। अरे वो बेटी तुम्हारी बेटी हो सकती ना, वो बेटी तुम्हारे भाई की बेटी हो सकती, तुम्हारा काम तो था कि कपड़ा लाकर उसको रखते, मजमे को भगाते, उसको उठाकर उस बच्ची को अस्पताल लेकर जाते, ये आज का वाकया। तो जो भी बच्ची पढ़ रही है मैं उनके मां बाप को सलाम करता हूं, खूब पढ़ाओ बच्चियों को, ताकतवर बनाओ, भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो हमारी बेटियों को खूब पढ़ना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। और जो बेटी अपने मजहब पर चलना चाहती है उस पर लाखों सलाम, अल्लाह तुम्हारे आजम और हौसले को जिंदा रखे। जब मैं उस बच्ची को देखा जिसने मोटरसाइकिल रखकर बेबाक तरीके से नारा लगाया तो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए, मैं बोला बॉस, इस बच्ची ने तो हिम्मत और हौसला दिखा दिया हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है, आप आए आज के जलसे में, आपका बेहद शुक्रिया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमको परमिशन दी, और हमारे पुलिस वालों को भी ज्यादा तकलीफ हुई होंगी जो आपकी मोहब्बत की वजह से,
उन्हें भी परेशान थे ये कौन पॉलिटिकल ले जाए ने सब्जी ने गिर रहे इसके ऊपर। तो खैर मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं और यकीन जानिए क्या बोले बोल दिए जरूरत नहीं है लेवल की बात करना। तुम्हारा लेवल ऊंचा है प्यारे, तुम ऐसा बात करना तो हमेशा आंख में आंख डालना, नीचे नहीं देखना। तुम्हारा लेवल आंख में आंख डालने का है। बहुत पुकारते पुकार रहे तो अपने क्या करना, आप क्या डर गए पुकारने वालों से? बस है खतरा खत्म, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता इंशाअल्लाह ताला। आप सिर्फ हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो और मैं आपको बता रहा हूं, याद रखो तारीख गवाह है मक्के की। हजरत बिलाल को मारा गया, पीटा गया, दिन दिन भर उनके जिस्म पर गरम गरम पत्थर रेत रख दिया जाता था, मगर अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि काबतुल्लाह पे खड़े होकर आजाद दिए थे हजरत बिलाल। तो तुम डरो मत, डरना है तो सिर्फ अपने रब से डरो, किसी से मत डरो, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और तुम्हारे अतराफ में जो चोरा है ना उनको पहचानो तुम पहले। अब हमारी तकरीर होने के बाद कल से शुरू हो जाते हैं नू, इसको क्या बोलते हैं धकनी जबान में, धूप छौके लड्डू है ये। अरे खतरनाक बात बोल दिए उन्होंने रात में, आपको नहीं मालूम। अब आप सुन रहे, आप तो मेरी बात सुन लिए, मैं किसी मजहब के खिलाफ बोला मैं सिर्फ प्रधानमंत्री को बोला, अमित शाह को बोला, आरएसएस के बारे में बोला, कांग्रेस के बारे में बोला, बीजापुर के रोडों के बारे में बोला कि एसपी साहब की रोड तक खराब है, मेडिकल कॉलेज की रोड खराब है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, मगर कल से शुरू हो जाएंगे धूप छौंक के लड्डू। अरे मियां इन्हों तो आग लगा देने वाले थे, हम इन अरे क्या बोलते हैं, हम इनके लोगों को समझाए, अरे असद साहब को मत बुलाओ। फिर हम आ गए तो बोले जरा उनको बोलो जरा ये बीजापुर है हैदराबाद नहीं है। अरे हैदराबाद भी बीजापुर में कोई फर्क नहीं है, हैदराबाद भी है बीजापुर भी है, पूरा भारत का हिस्सा है, पूरा भारत का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत में जमहूरियत है और हमको अपनी बात बोलने का हक हासिल है और हमको अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने का हक हासिल है। तो सिर्फ चार वार्डों के लिए आपसे अपील कर रहा हूं, चार में कामयाब करो आप, एक सिलसिला शुरू करो। यहां पर मजलिस की तारीख अगर आप देखेंगे तो 1960 में मजलिस ने पहले हैदराबाद में बल्दिया इलेक्शन लड़ा, पहला बल्दिया इलेक्शन मजलिस कामयाब हुई थी, 17 मजलिस के अराकी ने बल्दिया आए थे, उसमें से चार हमारे हिंदू भाई थे, मगर आज भी हमको गाली देते, आज भी हमको गाली देते। खैर बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि 28 तारीख को क्या करेंगे आप, ऐसा डाल के देखी पूरा एक के बाद एक चारों वार्डों में करेंगे नहीं करेंगे, जरा एक्शन करके दिखाओ, मैं करा सो भी ये पूरे बस पूरे साफ। आपके चार हमारी बहना जीत के आएंगे और फिर मैं दोबारा आऊंगा। और हुआ तो पुलिस इजाजत दी तो अकबर को साथ लेके आऊंगा, मैं बैठूंगा अकबर बोलेंगे। तो 28 तारीख को पतंग को वोट देंगे मेरे भाई, पतंग के निशान पर वोट देंगे। तो मेरे साथ नारा लगाइए, मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। बीजापुर की जनता को सलाम, शुक्रिया, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।